तो आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात कर रहे हैं पावर बीआई नेक्स्ट जनरेशन ऑफ डैशबोर्ड। तो जैसे कि हमने आपकी इससे पहली क्लास में बताया कि पावर बीआई क्या है, कब कब इस्तेमाल करते हैं, क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, एक्सेल के साथ क्या इसकी कैपेबिलिटी है, इन सीओ पे हमने डिस्कस किया था और एक क्विकली डैशबोर्ड बना के बताया था कि एक्सेल में जो डैशबोर्ड बनाने के लिए मुझे घंटों लगता है, पावर बीआई में 5 मिनट्स के अंदर बन गया था। ये इंट्रोडक्शन थी। चलिए आज हम अपनी पहली कोर्स को स्टार्ट कर रहे हैं। तो स्टार्ट करने से पहले हम सबसे पहले बताएंगे कि पावर बीआई कहां से डाउनलोड करोगे और कैसे डाउनलोड करोगे। सबसे फर्स्ट ये हम आपको समझा रहे हैं। तो चलिए मैं अपनी स्क्रीन आपको देता हूं। तो पावर बीआई के लिए आपको जाना है सबसे पहले गूगल पे। पावर बीआई के सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है सर। पावर बीआई का सॉफ्टवेयर परचेज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ पावर बीआई की जो आईडी होती है उस आईडी को परचेज करना पड़ता है। सबसे पहले आप google.com पे खोलें। google.com में जाने के बाद सिंपल सा आप टाइप करें पावर बीआई डाउनलोड, पावर बीआई डाउनलोड। आपके पास देख लीजिएगा पावर बीआई microsoft.com का आएगा डाउनलोड पावर बीआई माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई। इसके बाद हमने क्लिक किया तो हमें माइक्रोसॉफ्ट पावर बीआई की डाउनलोड पेज पे चला जाएगा। तो इससे क्या वर्जन है, पावर बीआई डेस्कटॉप, पावर बीआई मोबाइल, इसके बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑन परमिशन डेटा गेटवे, पावर रिपोर्ट बिल्डर। तो इसमें आपको पावर बीआई डेस्कटॉप को डाउनलोड करना है, पावर बीआई डेस्कटॉप। तो यहाँ डाउनलोड पे क्लिक करेंगे तो आप नीचे देखिए यहाँ पे देखिए पास दिख रहा होगा। किसी भी लिंक पे क्लिक करने से पहले उसका पास देखना बहुत जरूरी है, याद रखिएगा। जब इस पर हम क्लिक करते हैं तो नीचे पास देता है arc.msp/desktop/store। मतलब कि जैसे ओपन करेंगे आपका जो स्टोर होता है ना, इसका माइक्रोसॉफ्ट के अंदर जो स्टोर खुला होता है, आपके विंडोज का जो स्टोर होता है, उस स्टोर ऐप को ओपन कर देगा, माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन कर देगा। तो थोड़ा सा ये डिफिकल्ट होता है, तो क्या करें इसके लिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहां एडवांस डाउनलोड ऑप्शन पे क्लिक कर जाएंगे। एडवांस डाउनलोड ऑप्शन, इसमें आपके पास आ जाएगा डाउनलोड, अपना लैंग्वेज सेलेक्ट कीजिए। ऑफ कोर्स इंग्लिश ही लेंगे, हिंदी में तो आएगा नहीं और अदर लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। डाउनलोड पे क्लिक करेंगे, उसके बाद यहां से अपना 64 बिट है या 32 बिट है तो आप चूज करें और डाउनलोड कर दें। ये 200-300 MB के आसपास का आता है, इसको डाउनलोड आप कर सकते हैं। उसके बाद इंस्टॉल करने की बात आई तो नॉर्मल जो कोई सॉफ्टवेयर आप इंस्टॉल करते हैं ना, उसी तरीके से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। इसमें कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है। ओके सर, तो डाउनलोड कर लेंगे इम्तियाज जी। जी सर बिल्कुल बिल्कुल हो जाएगा डाउनलोड। चलिए अच्छा सर, मेरा सर i3 है सिस्टम लैपटॉप, उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। विंडो एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग चलता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, सही है। आप उसको टेक्निकल स्पेसिफिकेशन देख लीजिएगा ना, चल जाता है सर। अच्छा तो सिस्टम स्लो नहीं होगा सर मेरा? पावर बीआई जो ओपन करेंगे, जब रनिंग करेंगे तो उस समय थोड़ा सा सिस्टम स्लो चलेगा, ठीक है ना। जब तक पावर बीआई ओपन है, पावर बीआई क्लोज कर दोगे देन वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो सर ये जो आप जो हमको दे पावर बीआई डाउनलोड करेंगे सर, तो ये ट्रायल वर्जन रहेगा कि? देखिए पावर बीआई का डेस्कटॉप वर्जन जो है वो ये है, फ्री है, उसके लिए कोई ऐसा जो ट्रायल वगैरह की जरूरत नहीं है। हाँ, इसकी जो आईडी क्रिएट करेंगे, वो आईडी मतलब जैसे आप देख रहे हैं सुजीत कुमार सिंह से मैं लॉग इन कर रखा हूँ, तो जैसे कि पावर बीआई क्लाउड के ऊपर भी आपको देती है। जैसे कि आपको जरूरी नहीं है कि रिपोर्ट पावर बीआई डेस्कटॉप पे ही बनाए, आप पावर बीआई क्लाउड पे भी रिपोर्ट बना सकते हैं जहां से शेयर कर सकते हैं। तो ये पावर बीआई एप्लीकेशन के जरिए आप रिपोर्ट को बना लेंगे, बट रिपोर्ट को शेयर कहां करेंगे, कैसे किसी को भेजेंगे? पीडीएफ के थ्रू भेज सकते हैं तो आप ठीक है, लेकिन बहुत सारे लोग पीडीएफ के थ्रू नहीं भेजते हैं। आप लोग रिपोर्ट को पावर बीआई में सेव करके, टेम्पलेट में सेव करके भेज देते हैं, बट उनके पास पावर बीआई का एप्लीकेशन होना चाहिए। तो जैसे वेब लिंक हो गया या एम्बेड हो गया, आप बड़े बड़े साइटों पे देखते होंगे कि जैसे कि स्टॉक मार्केट के साइटों में देखते होंगे कि ग्राफ डायरेक्टली अप डाउन होते रहता है,
तो वो सारी चीजें क्या होती है, एम्बेड होती है। तो आप भी, आपके पास कोई वेब एप्लीकेशन है या वेबसाइट है, अपने रिपोर्ट को अपने सेल्स फोर्स के साथ, आप पावर बीआई के साथ एम्बेड कर सकते हो। यहाँ डेटा आपका चेंज होगा, वहाँ आपका चार्ट ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा, कोई कोडिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। दूसरी चीज है कि पावर बीआई का एक अपना ये होता है, क्लाउड होता है, मतलब जैसे गूगल ड्राइव का होता है ना, जितने भी जीमेल यूजर्स है उसको आप फाइल शेयर कर सकते हो। उसी तरीके से इसमें भी होता है कि जितने भी आपके पावर बीआई यूजर्स है उनको आप अपना रिपोर्ट शेयर कर सकते हो। बस आपको शेयर कर देना है, ऑटोमेटिकली उनके शेयर बिक भी चला जाएगा। तो सर जिसके साथ हम शेयर करेंगे तो उनके पास भी तो पावर बीआई होना चाहिए ना? हाँ, उनके पास पावर बीआई होना चाहिए, पावर बीआई का ऑनलाइन अकाउंट। अदरवाइज हम अगर वेब पे शेयर करेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा हमको? हाँ, उसकी जैसे मान लीजिए कि आप पब्लिकली अभी रिपोर्ट शेयर करना है तो इसकी एक वेब लिंक मिल जाएगी आपको, वो लिंक जैसे लिंक होता है ना, और लिंक फॉरवर्ड कर दे तो उनको पावर बीआई होने की जरूरत नहीं है, वो क्लिक करेंगे और रिपोर्ट को वेब पेज पे देख लेंगे। ओके ओके, ये टैबलू में भी फीचर है। तो ये वेब लिंक हमको कहाँ से मिलेगा सर? इसके लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट आईडी क्रिएट करना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या अमाउंट लगता है सर? इंडिविजुअली करते हैं तो 650 पर मंथ। 650 पर मंथ, सॉरी सर, 660 रुपए पर मंथ। 660, ओके ठीक है। तो इससे हम कोई भी रिपोर्ट बनाएंगे, अगर हम वेब लिंक हमको मिल जाएगा तो हम कहीं भी रिपोर्ट शेयर कर सकते हैं किसी को भी। जी सर, ठीक है। जैसे देखिए, मैंने ले रखा है, ये हमारा क्लाउड है, जो भी हम रिपोर्ट बनाते हैं ना सारी रिपोर्ट यहाँ पर आता है। जैसे कि मैंने लास्ट क्लास में डेस्कटॉप 7 बनाई थी, ये रिपोर्ट हमारा यहाँ आ गया। इसमें कोई मॉडिफिकेशन वगैरह करना है तो मैं यहीं से मॉडिफिकेशन वगैरह कर सकता हूँ, हमें पावर बीआई एप्लीकेशन खोलने की जरूरत नहीं है। मतलब ये हुआ कि आपने एक पीसी पे पावर बीआई डाउनलोड कर रखा है, लेकिन आप किसी और पीसी पे बैठे हो तो वहां भी रिपोर्ट को आप क्षेत्र अपने पुराने रिपोर्ट को अपने हिसाब से चेंजिंग कर सकते हो, देख सकते हो, किसी को शेयर कर सकते हो। यहाँ देखिए, शेयर कर सकते हो, प्रिंट कर सकते हो, पब्लिश ऑन वेब कर सकते हो, एक्सपोर्ट पावर बीआई कर सकते हो, एक्सपोर्ट पीडीएफ कर सकते हो। और यहाँ आपके सामने दिख रहा है शेयर का ऑप्शन, शेयर कर सकते हो। और किसी ने आपको शेयर किया है तो यहाँ आ जाएगा, ठीक है जी सर। लेकिन जो ये जो हमने आईडी बना रखी है, हालांकि ट्रायल है, मतलब कि फ्री आईडी है, इसमें दो चीजें होती है, एक ट्रायल होता है, ट्राई आउट, ट्राई करोगे तो आपको 6 मंथ के लिए फ्री दे देता है, 180 दिन के लिए ट्रायल में सर। जी हाँ, लेकिन लिमिटेड वर्जन, इसमें ऐसा नहीं कि अभी से मैं शेयर करना चाहूँ तो रिपोर्ट शेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसका प्रो लेना पड़ेगा, अपग्रेड पावर बीआई प्रो। जी जी, तो इसमें अब यहाँ पे एक चीज आती है कि आपको अब जैसे आईडी अगर ये भी बनानी है आपको, मतलब कि आपको आईडी ट्रायल आईडी ही बनानी है, तो फिर आपके पास एक कंपनी की आईडी होनी चाहिए, आप जीमेल से याहू से नहीं बना सकते। तो यहाँ आप लोगों के पास कंपनी की आईडी होनी चाहिए, तो यहाँ एडमिन सेक्शन में जाके मैं आपके लिए आईडी क्रिएट कर देता हूँ, ठीक है? ठीक है सर। माफ कीजिएगा, मैं इससे आईडी क्रिएट नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मेरा साइट इसमें वेरीफाई नहीं है। ये आईडी सर जनरेट करने की क्या जरूरत पड़ा सर? एडमिन आईडी, बस बेसिकली आप लोग जैसे अभी इनको अजय जी है, अजय जी के पास कंपनी की मेल आईडी है, तो कंपनी की मेल आईडी से रजिस्टर्ड नहीं कर सकते हो, फाउंडेशन है। okay. और जीमेल जो है ये एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो इसमें हम अपना एक बाय डिफॉल्ट कोई आईडी बना के काम कर सकते हैं ना? हाँ, इसलिए आपको एक कंपनी का आईडी से बता दे रहा हूँ ना, आप जैसे आप पावर बीआई को लॉगिन करते हैं, यहाँ मैंने पावर बीआई लॉगिन किया, यहाँ पे जैसे मैं ट्राई फ्री पे करूंगा, ठीक, ट्राई फ्री पे किया ना आपने, ट्राई फ्री, तो यहाँ पे आपको जो है यहाँ साइन इन पे क्लिक की, यहाँ ऑलरेडी है, यहाँ पे मैंने पावर बीआई दिया हुआ है, तो इसने रीड कर लिया ना कि आपके पास पावर बीआई ipindia.com ऑलरेडी है, तो यही पे जब क्लिक करेंगे तो आपको जीमेल आईडी डालना पड़ेगा, अपनी आईडी डालनी पड़ेगी, ईमेल आईडी, और उस ईमेल आईडी जो होगी वो कंपनी की ईमेल आईडी होनी चाहिए। कंपनी मीन्स सर किस कंपनी?
कौन सी कंपनी की कोई भी कंपनी का पब्लिक आईडी नहीं होना चाहिए, पब्लिक आईडी नहीं होना चाहिए। तो वो कंपनी की आईडी मैं कहाँ से लगाऊंगा सर? जैसे मेरा iptindia.com है, acj.com, आपको ऐसा एक आईडी, पब्लिक डोमेन का आईडी नहीं चाहिए, ईमेल आईडी चाहिए बट पब्लिक डोमेन का नहीं चाहिए। जीमेल, याहू, रेडी सब नहीं चलेगा? नहीं चलेगा। तो ये .com लाने के लिए आईडी मैं कहाँ से लाऊंगा सर? मैं ऑर्गेनाइजेशन तो हमको दी नहीं है। हाँ तो यही चीज़ें यहाँ पे दिक्कत होती है ना, तो इसलिए मैं जो है हमारे पास इसका मैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करा देता हूँ। ओके 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 समझ गए ना। तो मैं आपके लिए आईडी जनरेट करके मेल कर दूंगा, मुझे एक बार इसको साइन आउट करना पड़ेगा। साइन आउट क्यों नहीं हो रहा? तो फिलहाल ऐसी कोई जरूरी नहीं है कि आपको आईडी होनी ही चाहिए, आप बगैर आईडी के भी वर्क कर सकते हैं। समझ गए ना? मैं आप लोगों को बना के मेल कर दूंगा। अब फिर आप डाउनलोड कर लीजिए, सॉफ्टवेयर डाउनलोड कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके उसको यूज कर सकते हो। लॉग इन के लिए बात हुई, जब मैं क्लाउड पर आऊंगा आपको तो आपको मैं आईडी क्रिएट करके दे दूंगा। ठीक है? ठीक है सर, समझ गया। अगर सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हम अपना काम कर सकते हैं और पीपीटी, ये सॉरी पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं। जी हाँ, कर सकते हैं आप, लॉगिन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी जी। जब जैसे ही आप अपनी पावर बीआई को ओपन करोगे, आप जाके जो पावर बीआई नॉर्मल है उसको जैसे आप ओपन करोगे, ओपन करने के बाद आपको पहला विंडो इस तरह का आएगा। लेकिन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे मेरा बहुत सारे वीडियोज दिख रहे हैं ना, आपको यहाँ पे साइन इन दिखेगा क्योंकि आपने अभी तक साइन इन नहीं किया ना, इसलिए। ठीक है, जो साइन इन कर लेंगे तो आपको इस तरह से दिखेंगे, इसके आपको कुछ सैंपल्स ट्रेनिंग वीडियोस दिखेंगे, व्हाट्स न्यू ये आर्टिकल पे चला जाएगा, ये आपका पब्लिक फोरम पे चला जाएगा, पावर बीआई ब्लॉग पे चला जाएगा, और यहाँ पे ट्यूटोरियल पावर बीआई के कुछ ट्यूटोरियल दिए गए हैं, सैंपल डाउन सैंपल डाउनलोड कर सकते हो वगैरह वगैरह वगैरह। ओके सर? ओके सर, क्लियर है। उसके अलावा आप इसको कैंसिल भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, कैंसिल कर दीजिए। यहाँ से कैंसिल करने के बाद फर्स्ट विंडो ये आएगा, ये आपका पेज वन दिख रहा है, जैसे एक्सेल में शीट्स होते हैं ऐसे यहाँ पे पेजेस होते हैं। उसके बाद यहाँ पे इसको आप देखें तो इसके पहले व्यू को समझिए, इसको बोलते हैं कैनवेस एरिया, जो रिपोर्ट तैयार होती है वो आपको यहीं पे तैयार होती है, समझे। अब यहाँ तीन व्यू है, पहले ये आपका रिपोर्ट व्यू, दूसरा आपका डेटा व्यू, तीसरा आपका मॉडल व्यू। रिपोर्ट व्यू में जहाँ आप रिपोर्ट बनाते हैं, डेटा व्यू में अपना डेटा को देखेंगे, और ये आपका मॉडल व्यू में मॉडल होगा। जो डेटा आप कनेक्ट करेंगे इसकी फील्ड यहाँ देखेगी, अपना चार्ट जो जिस तरह का रिपोर्ट चाहिए वो यहाँ सेलेक्ट करेंगे और ये इसके फिल्टर्स होंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि एक डेटा को कनेक्ट करते हैं, यहाँ गेट डेटा दिख रहा है, तो ये डेटा आप एक्सेल पे जा सकते हैं या फिर डायरेक्ट यहाँ एक्सेल पे ही क्लिक कर दीजिए। एक्सेल से करना है तो ये डेटा पूरा प्लेटफॉर्म आता है, मैं यहाँ पे सिंपल एक्सेल पे क्लिक कर देता हूँ। कुछ सिमिलर टू पावर बीआई पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल है, जैसे हमने इसको ओपन कर दिया। अब ये डेटा को रीड कर रहा है, रीड करने के बाद मुझे बताएगा कि कितने शीट का डेटा है, डेटा का व्यू देगा। जैसे आप एक्सेल में डेटा को कनेक्ट करते हो ना, एक फाइल से दूसरे फाइल को, सेम प्रोसीजर यहाँ भी होता है, यहाँ भी उसी तरह से एक फाइल से दूसरे फाइल को क्लिक करता है। तो यहाँ हमने शीट में शीट वन का डेटा चाहिए तो शीट वन को क्लिक कर दिया, मुझे इसका व्यू दिख जाएगा यहाँ पे, व्यू दिख गया सर। अगर वो दो या दो हजार शीट चाहिए तो लेके आ सकते हैं, इससे हम आपको आगे बताएंगे। जैसे डेटा हम जैसे लोड करेंगे, ये डेटा को एवलेट करके डेटा यहाँ पे लोड कर देगा, और उस डेटा में जितने भी फील्ड थे जैसे पावर बीआई में होते हैं वो यहाँ आपका आ जाएगा। थोड़ा सा ये प्रोसीजिंग थोड़ा सा स्लो करेगा शुरुआत में, जिसको बैकएंड डेटा कॉपी करना पड़ता है ना सर।
आ गया। अब देखिए जितने भी फील्ड्स है वो फील्ड्स यहाँ पे आ गए, तो ये रिपोर्ट व्यू में आप रिपोर्ट देख सकते हैं, डेटा व्यू में आपने जो डेटा कनेक्ट किया है उसका लिस्ट यहाँ दिख जाएगा, पूरा डेटा आपको यहाँ दिखेगा। और डेटा देखिए दिख गया, और डेटा मॉडल में जैसे कि हम आगे रिलेशनशिप पढ़ेंगे तो जितने भी अभी क्या एक सीट है, अगर मान लीजिए आपने अगर 8-10 डेटा कनेक्ट कर रखा है तो 8-10 डेटा का यहाँ पर लिस्ट आएगा जिसमें इजीली आप कनेक्टिविटी वगैरह चेक कर सकते हैं। तो वापस रिपोर्ट में आते हैं, ये हमारा कैनवेस एरिया आ गया। उसके बाद आप जो है व्यू में जाकर इसकी साइज को बढ़ा सकते हैं कि कैसा होना चाहिए आपका कैनवेस एरिया, इस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। फिलहाल हम बात कर रहे हैं कि ये जो आपका फील्ड है इस फील्ड को समझ लीजिए एक बार, जिसमें ई लगा हुआ है मतलब कि वो नंबर है, जिसमें नॉर्मल और टेक्स्ट है। अब रिपोर्ट बनाने का तरीका है क्या, सिंपल है। अब वो क्या चाहिए, जैसे मुझे मान लीजिए मुझे यहाँ पे डेटा शो करना है, तो यार मैं टेबल लिया, टेबल पे क्लिक किया तो टेबल का प्रीव्यू आ गया, अभी कुछ दिख नहीं रहा है। अब मुझे इसके अंदर उठा के अपने डेटा को रखना, जैसे मुझे चाहिए पिवट चाहिए नेम बाय क्वांटिटी का टोटल, तो नेम और क्वांटिटी को उठा के इसमें हमने ड्रॉप कर दिया, तो सर पिवट में करते हैं, आपकी समझ तैयार होगी, समझे सर। तो कुछ इसमें खास कुछ नहीं करना है, आपको क्या करना है कि पहले सेलेक्ट करना है अपनी विजुलाइजेशन। जैसे कि मैंने सेलेक्ट किया मुझे चाहिए ये आपका पाई चार्ट, पाई चार्ट को सिलेक्ट किया, पाई चार्ट कहाँ पे चाहिए वो वहां हम इसको ड्रॉप कर देते हैं, ताकि बाद में भी कर सकते हैं पहले भी कर सकते हैं। उसके बाद मुझे चाहिए सिटी बाय क्वांटिटी, आ गया। अब इसको बड़ा करना है तो आप इसको बड़ा कर सकते हैं ताकि विजुलाइजेशन सही है। अब सिटी का रिपोर्ट, सिटी जो सिलेक्ट किया वो गलत किया, क्योंकि बहुत पाई चार्ट में ज्यादा नंबर ऑफ आइटम्स नहीं होने चाहिए वरना सही से विजुअल नहीं होता है, तो इसको हम प्रोडक्ट कर देते हैं। या नेम करना है तो नेम कर दीजिए, ओके। अब इससे रिलेटेड यहां पे इसके फॉर्मेट्स होते हैं। अब ऐसा नहीं कि एक बार आपने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट कर लिया आप चेंज नहीं कर सकते, जैसे मान लीजिए मुझे इसको जो है चेंज करना है लाइन चार्ट में, तो मैं इसको सेलेक्ट करूंगा और यहां से मैं लाइन चार्ट को सिलेक्ट कर लिया, तो ये लाइन चार्ट में हमारा कन्वर्ट हो जाएगा, समझ गए सर। तो पावर बीआई बनाने का यही तरीका है। इम्तियाज जी क्या लग रहा है आपको, सीख पाएंगे आप? नहीं सर, सीख रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे। बस आपको रिपोर्ट बनानी है और इसका यूज करना है। अच्छा सर, डेटा जैसे हम लोग इंपोर्ट कर लिए यहाँ पे, हाँ, तो इसमें अगर जैसे कि हम लोग एक्सेल में क्या करते हैं, पहले एनालिसिस कर लेते हैं, जो हर एक फील्ड का एनालिसिस होता है, यस नो जो भी इंडिकेटर्स है, इंडिकेटर के अंदर ड्रॉप डाउन है तो उसमें एनालिसिस करके तब हम लोग ग्राफ बनाते थे, ठीक है। इसमें जैसे कि डेटा इंपोर्ट करेंगे सर, तो क्या वो एनालिसिस होके इसमें ग्राफ बनेगा? देखिए हाँ, वो ऑटोमेटिक एनालिसिस होके, देखिए ना आपके सामने मेरे पास डेटा में देखिए नेम कितना बार रिपीटेड है, ये बिल्कुल पिवट तरह से पिवट टेबल की तरह काम करता है। पिवट टेबल यूज करते थे ना सर? जी जी, बिल्कुल पिवट टेबल की तरह है। हाँ, इसमें डेटा कैलकुलेशन करना, जैसे मान लीजिए क्वांटिटी और एमआरपी है, राइट, मुझे यहाँ पे टोटल चाहिए, तो आप यहाँ पे नया कोई भी कैलकुलेशन कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, अब यहाँ पे बहुत सारे फॉर्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं, यहाँ पे मैथमेटिकल कैलकुलेशन इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे हमने बोला यहाँ यहाँ एक रुक जाइए, अब यहाँ पे हमने बोल दिया क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाई एमआर, सिंपल, एंटर मारिए, आ गया टोटल, समझ गए। अब यहाँ पे मैं चार्ट बनाना, मान लीजिए मुझे मैथ चार्ट चाहिए, मैंने यहाँ पे मैथ पे क्लिक किया और इस मैथ के ऊपर हमने सिटी को डाला, सिटी ऑटोमेटिक लेजेंड में चला जाएगा, और फिर उसके बाद हमने इसकी टोटल अमाउंट को डाला जो टोटल यहाँ कैलकुलेट हुआ है। मैप वगैरह ही बनता है, बन गया।
लेकिन जैसे हम देख पा रहे हैं कि इसमें जो मैप है जो मेनली जो कंसंट्रेशन है वो इंडिया पे ही है, क्या हम इसको इनलार्ज कर सकते? नहीं, इंडिया पे इसलिए है कंसंट्रेशन क्योंकि डेटा इंडिया का है सर, एग्रीड। लेकिन अगर मुझे देखिए मैप पे तो ये मुझे बहुत छोटा विजुअलाइज कर रहे हैं हम, मतलब मैं ये पूछ रहा था कि हम इसे इनलार्ज कर सकते हैं, बस मैं ही मेरा ही पॉइंट। देखिए आपके सामने लार्ज हो रहा है ना? हाँ जी हाँ जी। अच्छा सर जूम कर सकते हैं, जैसे आप देखिए bing.com में जो मैप यूज करते हैं ना, हाँ जी हाँ जी, सेम फीचर यहाँ पे है, bing से दे रखा है इसने। और सर जब हम ये रिपोर्ट शेयर करेंगे किसी को इन फॉर्म ऑफ लिंक और इन फॉर्म ऑफ एनी टेम्पलेट, क्या वो भी इसे ऐसे ही इनलार्ज कर पाएगा? जी 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 सर। ये इनलार्ज कैसे कर रहे हैं, जैसे मतलब नॉर्मल हम इनलार्ज करते हैं? डबल बस क्लिक कर रहा हूँ मैं। अच्छा, या फिर जो माउस का जो बीच का होता है ना स्क्रॉल बटन, वो यूज कर रहा हूँ। ठीक है ना। अच्छा, और मैप यहाँ दूसरा दो मैप है, यहाँ पे इसको एनालाइज कर रहा है सर। रुक जाइए, ये इंटरनेट से कनेक्टेड होता है सर, तो जब मेरा अभी जूम चल रहा है ना, इससे इंटरनेट का स्लो हो गया, इसको इंटरनेट होना चाहिए सर। अच्छा सर, जैसे कि अगर मैप के थ्रू अगर हम बिहार का चाहे झारखंड का जिला वाइज या ब्लॉक वाइज कुछ डेटा है उसको दर्शाना चाहते हैं तो हो जाएगा यहाँ पे? हाँ हो जाएगा। इसके लिए यहाँ पे आपको लेटिट्यूड लैंगिट्यूड दिख रहा है ना आपको, एक तो दस सिटी नेम को ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लेता है, लेकिन सिटी नेम इसे हमने यहाँ पे सिर्फ सिटी नेम दिया हुआ है, तो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इसने ऑटोमेटिक आइडेंटिफाई कर लिया। लेकिन यहाँ दिख रहा है कुछ सिटी उसने अफ्रीका का भी ले लिया हुआ है। दिख रहा है ना सेलम? जी सर। अब सेलम इंडिया में भी है और अफ्रीका में भी है, दिल्ली इंडिया में भी है अफ्रीका में भी है, तो उस केस में आप यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज कर सकते हो। दिखा रहा हूँ लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। ऐसे से हम लोग प्रॉब्लम क्या आता है ना कि हम लोग जैसे कि मैप में दिखाते हैं प्लॉट करते हैं डेटा वाइज किसका कवरेज अच्छा है, किसका कवरेज किस ब्लॉक का किस जिला का कवरेज अच्छा है खराब है, तो उस अनुसार यहाँ पे हम लोग उस कंसिडर यहाँ कर लेगा मैप? हाँ कर लेगा। अगर मान लिया कोई सिटी कंसिडर नहीं कर रहा है तो फिर आपको लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड के अकॉर्डिंग चलना होगा। जैसे कि हम लोग मैप के थ्रू करते हैं पीपीटी में, अगर हम लोग मैप के थ्रू प्लॉट करते हैं इसमें उस तरह से नहीं हो पाएगा? आप कर सकते हैं जैसे QGIS सर, QGIS तो आप जानते होंगे ना सर? हाँ हाँ कर सकते हैं, इसमें आप आगे मैप चार्ट जब पढ़ाऊंगा ना तो सर पूरी डिटेल में पढ़ा दूंगा आपको मैं। जी 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 सर, वही मैं बोल रहा हूँ। उसके अलावा यहाँ पे और भी बहुत सारे फीचर्स है कि जैसे कि ये जो विजुलाइजेशन तो है ही, इसके अलावा और भी विजुलाइजेशन को आप इम्पोर्ट कर सकते हो, डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है ना? अच्छा सर, जैसे कि इसमें गेट मोर विजुअल आपको दिख रहा है ना, जैसे इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपको इंटरनेट खोल के दे देगा, वहां से बहुत सारे विजुलाइजेशन को डाउनलोड कर सकते हो आप। तो अगर कोई चीज इसमें मान लिया पहले से नहीं है तो यू कैन आप जो ऑल्सो इंटरनेट से सर्च करके इसको लेके आ सकते हैं। आ गया ना सर स्टोर, इसमें कुछ फ्री है कुछ पेबल है, दिख रहा है सर? जी सर, इसमें कुछ फ्री है कुछ पेबल है। यहाँ देखिए आपका एडार्ड चार्ट हो गया, हीट मैप आप जो बोल रहे हो वो हीट मैप चार्ट उसको बोलते हैं। वो हम लोग एक्सेल यूज करते थे हीट मैप चार्ट। सर केपीआई क्या है सर? केपीआई होता है की ऑफ परफॉर्मेंस इंडिकेटर, अलग अलग इंडिकेटर से अलग अलग किलो से आते थे, हिस्टोग्राम सेम हो गया, मल्टीपल एक्सेस चार्ट हो गया, इंक्लूडिंग कंट्रोल चार्ट हो गया, ऐसे ले सकते हैं आप यहाँ से ऐड कर सकते हैं। तो कहने का मतलब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये मत समझिए कि पावर बीआई में ये जो चीजें दी गई है उतना ही है, इसके अलावा बहुत सारे जैसे है आप यूज कर सकते हैं, जैसे फ्लो मैप भी बोले ना आप यहाँ पे, यहाँ पे या कटोग्राम हो गया, ये चीजें भी ऐड करके यूज कर सकते हैं आप। हीट मैप दिख रहा है आपको?
तो इसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो आप, कि हम आगे क्लास में, अगर जैसे आप जैसे आप प्रीव्यू दे रहा हूँ कि हाउ कैन स्टार्ट योर पावर बीआई, आप लर्निंग कैसे स्टार्ट करेंगे, ये आपको मैंने समझाया आपको। तो अभी आपको आप दोनों आदमियों को करना क्या है, आप दोनों आदमियों को करना ये है कि आप पावर बीआई को ओपन करें, पहले सबसे पहले तो इंस्टॉल कर लें, इंस्टॉल करने के बाद ओपन करें, एक्सेल से जाके आप डेटा को कनेक्ट करें, कनेक्ट करने के बाद जैसे आप पावर में यूज कर पिवट टेबल यूज करते थे, उस पिवट टेबल की तरह आप जो है इसमें से विजुलाइजेशन को ले और यहाँ पे मैप अपना मैप अपना फीचर डाले और देखे क्या हो रहा है। नहीं सर, एक चीज मुझे जानना है, अगर हम इंपोर्ट करते हैं एक्सेल, एक तरफ मान ली एक इंडिकेटर का नाम है डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, दूसरा इंडिकेटर का नाम है कि वहाँ पे जो फैसिलिटी है वो के साफ है कि गंदा है, उसमें 100 इंडिकेटर है, 100 में से 60 में यस बता रहा है, 40 में नो बता रहा है, तो हमको यस वाला लेना है, तो क्या वो कैलकुलेट करेगा यस कितना है नो, तब तो हाँ कैलकुलेट कर देगा। पिवट टेबल में कैसे करता है सर? तो पिवट टेबल में तो हम लोग सब करते हैं ना, मैनुअली करते हैं, इसको बताते हैं कि यहाँ पे रो यहाँ जा, सिंपल सा ये देखिए ना, जैसे मान लीजिए कि मेरे पास नेम है और मेरे पास प्रोडक्ट है, देखिए, और क्वांटिटी हमें लेना है, हो गया सर यहाँ पे। दूसरी चीज है कि आप चाहते हो कि नहीं सिर्फ एक पर्टिकुलर का पार्ट रिपोर्ट बने, तो यहाँ फिल्टर लगा लीजिए, जैसे मैं बोलता हूँ कि मेरा हृदय का रिपोर्ट बनना चाहिए, तो मैं गया यहाँ उदय पे फिल्टर लगा दिया, अब आग या अमर पे फिल्टर लगा दिया, अब बाहर जो है वही चीज आएगी सर, अब यहाँ रिपोर्ट हमारा उसी चीज का बनेगा यहाँ पे, समझ गए? दूसरी चीज है कि इसमें और ज्यादा डेटा, अभी जिसे आप बोले तो और ज्यादा डेटा पे काम करना है ना सर, तो उस केस में आप जो है यहाँ पे आपके सामने ये आता है, फोन पे आता सोर्स डेटा करके आएगा यहाँ पे, तो डेटा भी आना पड़ेगा, हाँ ट्रांसफॉर्म डेटा, ये सीधे आपका पावर भी पावर क्वेरी खोल देगी। अब पावर क्वेरी पे बहुत सारे फीचर्स हैं जो कर सकते हैं, तो सर वो बताना पड़ेगा ना सर, आगे तो समझाऊंगा मैं आपको सर, ऐसा थोड़ी कि डायरेक्टली पा दूंगा मैं आपको, अब पहली क्लास में सारी चीजें कैसे समझा दूं सर? नहीं सर, बात ना सिक्वेंसली जो समझना है। तो अभी जैसे कि मैंने आपको पावर बीआई ओवरव्यू दिया, लेकिन कल से मैं आपको पावर बीआई नहीं पढ़ाऊंगा, कल से मैंने मंडे से क्या पढ़ाऊंगा मैं आपको, मैं पढ़ाऊंगा एक्सेल का पार्ट। अच्छा, आपने कोर्स में देखा होगा हमने वहां पे एक्सेल पार्ट कवर किया हुआ है, इसमें पावर बी पिवट टेबल, पावर पिवट टेबल और पावर क्यूरी है। हाँ यस सर, तो पहले हम क्योंकि मैंने बताया कि पिवट टेबल की तरह ही है, बट आपको पिवट टेबल पहले से कुछ नॉलेज है, लेकिन मुझे नहीं पता कितना नॉलेज है, सो फर्स्ट मैं एक्सेल का पिवट टेबल, पावर पिवट और पावर क्यूरी को समझाऊंगा, ताकि जब आप पावर बी आई में उसको यूटिलाइज करेंगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक्सेल में चीजें समझाने की जरूरत क्या है, समझाने की जरूरत इसलिए है क्योंकि एक्सेल को आप इजीली समझ जाएंगे, क्योंकि एक्सेल आप से सिमिलर है, आप उसको यूज कर रहे हैं, इससे दो बेनिफिट होगा, एक तो अगर एक्सेल में जो चीजें पता नहीं थी वो आपको पता चल जाएगा, क्या जी सर बिल्कुल, दूसरी चीज यह है कि आप जब पावर बी आई में उस चीज को करोगे तो आपको ज्यादा एफर्ट लगाना पड़ेगा, हालांकि उस चीजों को डायरेक्ट मैं आपको पावर बी आई में समझा सकता हूँ, बट डायरेक्टली पावर बी आई मैं नहीं समझा रहा हूँ, क्योंकि पावर बी आई बिल्कुल नया है और आपको कॉम्प्लिकेशन होगी, थोड़ा सा दिक्कत होगा, इसलिए हम उसको एक्सेल में समझा रहे हैं। जी जी। तो अगली 5-6 क्लासेस आपकी एक्सेल की चलेगी, नॉन की पावर बी आई की। सर ये कितने दिनों की सर ये क्लास रहेगी टोटल? कम से कम इसमें आपको 30-35 घंटे की क्लास चलेगी टोटल, जिसमें 5-6 घंटा आपका रहेगा एक्सेल का पास, बाकी रहेगा आपका पावर बी आई का पास। एक महीने के मोटा मोटी क्लास रहेगा? नहीं, एक महीना नहीं सर, मंडे टू फ्राइडे क्लास मिलेगी, तो 1.5 से 2 महीना लेके चलिए। 1.5 से 2 महीना, जी जी। टाइमिंग यही रहेगी ना सर? टाइमिंग 7:30 के आसपास स्टार्ट होगी और 8:15 के आसपास खत्म होगी। ठीक है सर, बस ठीक है। तो अभी मैं आपको क्या है पिवट टेबल के कुछ वीडियोज भेज रहा हूँ, उसको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि जो भी कोई इम्पोर्टेंट टॉपिक मैं स्टार्ट करता हूँ उसकी प्री रिकॉर्डेड वीडियोज मैं सबको भेजता हूँ। तो आप दोनों अपने अपने ईमेल आईडी मुझे व्हाट्सएप कर दीजिए, ताकि मैं आपको मेल कर दूं। जी सर, अभी कर देता हूं सर। हाँ बोलिए अजय जी, क्या बोल रहे थे? सर मैं ये कह रहा था कि जैसे आपके पास डेटा है, मुझे डेटा ना बनाना पड़ेगा, इनकेस अगर आप एक सैंपल डेटा की कुछ फाइल शेयर कर सके, सो इन द मीनवाइल जो आपने सिखाया,
डेटा के लिए आप गूगल पे जाइए, डेटा डॉट एक्सेल टाइप कीजिए, एंटर मारिए, डेटा भरे रह जाएगा। ठीक है सर, क्या बोले सर? गूगल पे जाइए, डेटा डॉट एक्सेलएक्स या एक्सेलएक्स उसका जो होता है ना फाइल का, एंटर मारिए, आपको बहुत सारा डेटा मिल जाएगा। सर वो मैं, अगर मैं चाहूँ उसके अलावा आपने जो पावर बीआई किया था उसमें डाउनलोड सैंपल था सर, तो आप डाउनलोड बहुत सारे सैंपल डेटा भी डाउनलोड कर सकते हैं। अच्छा सर, जैसे मैं हेल्थ सेक्टर से हूँ, तो अपना डेटा आपके आप लेके एग्जांपल के लिए समझा सकते हैं? आप क्यों नहीं कर सकते, क्यों नहीं, क्लासेज में हम बात कर लेंगे, ठीक है ना? देखिए मेरे तरफ से पूरी सपोर्ट रहेगी, ठीक है ना? थैंक यू सर, थैंक यू सर। जो पॉसिबिलिटी है हर एक चीज मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। आप ये मत कहिए कि सर ये हो जाएगा, ये आप कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। सिंपल से एक लाइन में मैं आपके लिए हर कुछ करने को तैयार हूँ, मतलब कि हर कुछ, मतलब यानी कि जो पॉसिबिलिटी है वो सारे पॉसिबल चीजें करने को तैयार हूँ। थैंक यू सर, सिंपल सी बात है, ठीक है? क्योंकि मेरा एक ही मकसद है कि इस चीज को सीखने के बाद इसको आप ऑफिस में यूटिलाइज करें। सर हम लोग फील्ड में इसका बहुत काम है सर, बहुत काम है। ठीक है, सबसे पहले सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कीजिए, फिर आगे बात करते हैं। अगर सर सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करने में कोई दिक्कत हो तो मैं कॉल कर लूंगा ना सर आपको? जी जरूर जरूर, कॉल किसी से मैं कर सकते हैं सर। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू, बाय सर, बाय सर, बाय सर। तो यूट्यूब देखा किस तरीके से,